ओवरनाइट कर दी थी रात को तकरीबन 7 बजे मैंने किया था ये चीनी डाल के शीरा, और अब 10 बजे का टाइम है दिन का, तो इसको मैं घंटे दो दो घंटे बाद इसको हलाती रही हूँ ताकि इसके अंदर जो मीठा शीरा है वो इसके अंदर चले जाए, जो मैंने फोक के ज़रिए इसको प्रिक किया था। ठीक है, इसमें जितनी गाजरें होती हैं उतनी चीनी डलती है। ठीक है, मैंने 1 कप आपके सामने डाला था गाजरों का चीनी का, अब मैं इसमें ये डालने लगी चीनी। हाँ, एक और मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी चीनी में कीड़ियाँ चले जाएँ तो उसके अंदर ये लौंग डाल दिया करें, इससे ये है कि चीनी के अंदर कीड़ियाँ नहीं जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं, आपका दिल करता है आप इसको बराबर की डालें चीनी, आपका दिल करता है तो आप कम पसंद करते हैं तो फिर 3 पाव डाल लें, मैं भी कम ही पसंद करती हूँ तो इसलिए मैं तकरीबन 3 पाव ही डालूँगी। पहले 1 कप डाला था, उसने ये देखे पानी छोड़ दिया होगा। ठीक है, अब ये डाल के अब इसको मैं पकाऊंगी। 3रा कप, ये 3 पाव हो गए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या टोटका दिया है कि अगर चीनी में कीड़ियाँ डाल जाएं तो उसके अंदर आपने इस तरह लौंग डाल देनी है। ये लौंग डालने से इसके अंदर कीड़ियाँ नहीं जाएंगी। ठीक है, अब जैसे जैसे इसको सेक लगेगा, आग लगेगी इसके, वो पतीली गर्म होगी तो ये जो चीनी है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद सब्ज़ इलायची डालनी थी, उसका मैंने ये पाउडर बनाया हुआ है, तो ये तकरीबन 2 पिंच भर के मैंने सब्ज़ मिर्च का, सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया। ठीक है, अब मैंने इसको इतना पकाना है कि ये गल जाए। ठीक, इसको अब मैं ढांप के रखने लगी हूँ, इसको मैंने तकरीबन 10-12 मिनट पकाऊंगी, उतनी देर में ये गाजरें भी गाल जाएंगी और जो चीनी डाली है वो शीरा एक तार का बन जाएगा, और जब एक तार का बनेगा उसमें फिर मैंने ये तकरीबन 1 साइज़ का लेमन का जूस डाल देना। अगर आपके पास लेमन है तो लेमन डाल दें 1 अदद, अगर नहीं है तो टाटरी 1 चुटकी भर के डाल दें। इसके क्या होगा, एक तो ये शीरा चीनी नहीं जमेगी, ये शीरा जमेगा नहीं चीनी के रूप में, और दूसरा इसके ऊपर शाइनिंग आएगी। ठीक है, ये आपने डालना है। ठीक, ये बबल आने शुरू हो गए हैं और इसको मैंने देखना है कि अभी पानी ही शीरा कितना बना है इसका, अभी एक तार का शीरा नहीं बना, ये अभी रनिंग है ये। ठीक है, और ये गाजरें भी देखनी हो कि गली है कि नहीं गली। माशाल्लाह, गाजरें तो खैर से गल गई हैं और अभी इसका शीरा एक तार पे नहीं आया। आपने गाजरें जो है ना वो आपने पतली पतली लेनी है, मोटी नहीं लेनी, मोटी लेंगे तो वो फिर गलेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आके, यहाँ तो अगर आपके पास लेमन है तो लेमन डाल दें, अगर लेमन ही है तो टाटरी है तो टाटरी 1 चुटकी डाल दें। ठीक है, या ये मैं लेमन डाल रही हूँ 1। अब मैं फिर देखने लगी हूँ कि आया इसकी तार बन गई है कि नहीं, नहीं अभी भी रनिंग है इसकी। ठीक है जी, ये देखें अब ये तार पे आ गया है, ये तार आ गई ना। अब मैं इसको ऑफ़ करती हूँ, इसका फ्लेम गल गया हुआ था, पहले गल गया हुआ था, बस इसका तार नहीं अभी बनी थी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ इसको काट के कि गला है कि नहीं गला। इसमें ये आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैंने फोक के साथ इसको प्रिक किया था ताकि इसके अंदर चाशनी अच्छी तरीके से चले जाए और मिठास में आए खाते हुए, अंदर तक पका होना चाहिए। आपने हाथ नहीं लगाना, ये शीरा बहुत गर्म है, आप हाथ लगाएंगी तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, अब ये जो शीरा है ये इसके ऊपर मैं डालूँगी, जब ये शीरा बच जाए, आपका ये मुरब्बा ख़त्म हो जाए और शीरा बच जाए तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना, आप इसमें ज़रदा भी पका सकती हैं, अंडों का हलवा भी पका सकती हैं, आप इसमें मीठे फ्रेंच टोस्ट भी बना सकती हैं। ठीक है, चीज़ कोई ज़ाया नहीं जाती। अब इसमें मैं ये डालूँगी शीरा।
अब इसमें मैं शीरा डालूँगी। ये इसकी खूबसूरती के लिए ये आप वर्क लगा दें। आपको पता है कि ये गाजर के फ़ायदे कितने हैं, और ये ख़ास कर मुरब्बा, इसको आप सुबह खाली पेट तकरीबन 2 या 3 इस साइज़ की जो गाजरें हैं ना, वो आप सुबह खा सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, सर में दर्द होती है, चक्कर आते हैं, असाबी कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप सुबह उठकर इसको गाजर के साथ 1 चम्मच सौंफ और 7 अदद बादाम, जो कि रात के भीगे होने चाहिए, अगर आप गर्म पानी में उसको छिलका रिमूव करेंगी तो वो उसके खाने का इतना टेस्ट नहीं आएगा और ना ही इतना फ़ायदा होगा जो कि आपने रात को भीगे हुए खाएंगी। ठीक है, इसको आप कुछ दिन खाएंगी तो आपकी दिमागी कमज़ोरी और नज़र की जो कमज़ोरी होगी उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप बनाएं, खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगा और घर में ये सस्ता भी पड़ता है। गाजरें आपने मोटी नहीं लेनी, छोटे छोटे साइज़ की लेनी है, और उसको आपने छील कर धोकर अच्छी तरह कांटे के साथ प्रिक करना है, उसमें सुराख मारने हैं, लेकिन सुराख मारते हुए आपने हाथों को बचा के रखना ताकि कांटा आपके हाथ को ज़ख्मी ना करे। ठीक है, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का आल वाला बटन प्रेस करना है। जो बग़ैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मुतमाना गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का आल वाला बटन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन के ज़रिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बाकी अपना कीमती टाइम जैसे थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप मेरी पूरी वीडियो देखें बगैर स्किप किए हुए, तो अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, दूसरों में भी आसानियाँ बांटे, अल्लाह ताला आप पर आसानियाँ बांटेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ़ से दुआ भरा, अस्सलामु अलैकुम।